तीन लड़कियों पर बनी फिल्म द केरल स्टोरी को जहां उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री किया गया, वहीं पश्चिम बंगाल में इसे बैन कर दिया गया है। इस पर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ममता बनर्जी को सच्चाई अच्छी नहीं लगती, वो सच्चाई को छुपाना चाहती हैं, इसलिए फिल्म को बैन किया गया है। ये अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रहार है। फिल्म के डायरेक्टर को भी धमकी मिली है कि सवाल पर विज ने कहा कि इस तरह के लोगों को डराया धमकाया नहीं जा सकता। ममता बनर्जी को सच्चाई अच्छी नहीं लगती है और सच्चाई को छिपाना चाहते हैं, इस कारण से प्रतिबंध लगाया गया है और ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रहार है। डायरेक्टर को भी एक मैसेज आया कि अकेले घर से बाहर ना निकले। नहीं नहीं ऐसा देखिए, जो इस प्रकार के लोग होते हैं, सच बोलने वाले होते हैं, सच्चाई उजागर करने वाले होते हैं, उनको डराया धमकाया नहीं जा सकता। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बयान में कहा कि कर्नाटक में सरकार बनते ही किए हुए वायदे पूरे किए जाएंगे। इस पर विज ने कहा कि राहुल गांधी तो कुछ भी कह सकते हैं, अब सभी को पता है कि कांग्रेस ने देश का क्या हाल किया है। वहीं प्रियंका गांधी ने भी प्रचार के दौरान कहा था कि भाजपा को वोट ना देना, नहीं तो उनके नेता आपको लूट लेंगे। इस पर विज ने कहा कि प्रचार में इस तरह की बातें एक हारा हुआ व्यक्ति ही कर सकता है। राहुल गांधी जी तो अब कुछ भी कह सकते हैं और पिछली भी कई बार उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी हैं, तो देश का क्या हाल करा कांग्रेस पार्टी ने सबको पता है। देखिए प्रचार में इस प्रकार की नरगल बातें करना, ये हारा हुआ व्यक्ति ही करता है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा किए गए ट्वीट की आपकी छवि खराब करने के लिए भाजपा का हताशपूर्ण प्रयास है, इस पर विज ने पलटवार करते हुए कहा कि अभी जांच हो रही है, जांच होने दो, जांच में अपना पक्ष रखें, उसके बाद ही ऐसी बात करें। देखिए जांच हो रही है, जांच को होने दें, अपना पक्ष उसमें रखें, उसके बाद इस प्रकार की बातें करें। वहीं हरियाणा में अभी कोरोना वैक्सीन खत्म है, इसके लिए हरियाणा ने केंद्र से वैक्सीन की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने अब वैक्सीन देने से मना कर दिया। इस पर विज ने कहा कि हरियाणा ने वैक्सीन खरीदने के लिए प्रोसेस किया हुआ है और अब जल्द ही उसके टेंडर हो जाएंगे। उसका समाधान करने में लगे हुए हैं और जल्दी उसका समाधान होगा। आपको बता दें कि फिल्म द केरल स्टोरी को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैन कर दिया है। इस पर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ममता बनर्जी को सच्चाई अच्छी नहीं लगती, वो सच्चाई को छुपाना चाहती हैं, इसलिए फिल्म को बैन किया गया है। वहीं राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान कि कर्नाटक में सरकार बनते ही वहां किए हुए वादे पूरे किए जाएंगे, इस पर विज ने कहा कि राहुल गांधी तो कुछ भी कह सकते हैं, अब सभी को पता है कि कांग्रेस ने देश का क्या हाल किया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।